गाइस वेलकम बैक टू स्मार्ट व्लॉग्स। सो गाइस आज हमारा नया व्लॉग और नई सी दिन। सो गाइस अभी शाम का टाइम हो चुका है और गगन दीदी पापा और मम्मी बाहर जा रहे हैं किसी काम से, लाइक शॉपिंग वगैरह करने के लिए। और मे भी उनके वैक्सीन लग गए पापा और गगन दीदी के। पापा का सेकंड डोज, गगन दीदी का फर्स्ट डोज। और मे भी नेक्स्ट 2-3 वीक्स में मेरी वैक्सीनेशन हो जाएगी, पर मम्मी नहीं करवा रही है बिकॉज मम्मी को डर लग रहा है थोड़ा सा। मम्मी कह रही है नहीं पेन वगैरह होगा, तो मम्मी को अभी हम 2-3 दिन बाद मम्मी की वैक्सीनेशन हो जाएगी। बट अभी पहले दो का करवा रहे हैं हम, गगन दीदी और पापा का, ताकि जिसके दर्द हो। हाँ वही, मतलब वही बता दिया मैंने, लाइक किसी के दर्द हुआ तो मम्मी टेक केयर कर ले, फिर जब मम्मी की लगेंगी तो अगर मम्मी के दर्द हुआ तो हम मम्मी की टेक केयर कर ले, ताकि सारे की सारे बीमारों के ना पड़ जाए यहाँ पे। एंड इसलिए हम अलग अलग करके लगवाएंगे, मेरी 2-3 हफ्ते बाद ही लग जाएगी सिमर की, फिर उससे बाद लगेगी। एंड अभी वो जाएंगे बाहर थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, वैक्सीनेशन करवाने के लिए। गगन डरती है, पापा जी की सेकेंड है तो पापा को ज्यादा डर नहीं लग रहा है। तरुण भैया की लगी थी आज सेकेंड डोज और भैया की लाइक आम अकड़ गई है, तो उसकी वजह से गगन डर रही है तरुण भैया को देख देख के, क्योंकि तरुण भैया का जब फर्स्ट डोज लगा तो बहुत बुरी हालत हुई थी और पापा की भी बहुत बुरी हालत हुई जब फर्स्ट डोज लगा था, तो गगन डर रही है कि मेरी भी ऐसी हालत ना हो। सो ये सब हो रहा है, सब हो रहा है। सो गाइज अभी मैं पापा और मम्मी जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, अभी हम श्योर नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हैं, और देखते हैं अगर वो सेंटर खुला हुआ तो करवा लेंगे, नहीं हुआ तो फिर हमें कल वापस जाना पड़ेगा। सो मैं चाह रही हूँ कि हो, क्योंकि वापस वापस नहीं जाया जाता। मनु सो गाइज राइट नाउ वी आर गोइंग, लेट्स गो, हैव अ जैकेट। वाह यार क्या करो, इसका चैन तो है नहीं इसमें। Long time no see, man. Hey, man, what's up? Hi, hi, how are you? What's up? Oh, nice video. Hi. What's up? Good, nothing. Subscribe. Subscribe, like, share, subscribe. Yeah. Thank you, guys. So, let's go. Thank you so much for that. Okay. See. See later. Thank you. Bye. सो गाइज अभी मैं शूट में ही जाके करूंगी कि पापा पोस्ट कुछ ही पापा जी को। सो यस एंड लेट्स गो फटाफट, मैं चाहती हूँ कि खुला हो, वैक्सीनेशन लगाने की मेरी बहुत ज्यादा हो रही है अंदर से। पापा कह रहे हैं लगवा के ही रहूंगा चाहे कहीं से भी लगानी हो। सो सो गाइज वी आर फाइनली एट द वैक्सीनेशन सेंटर, अभी हम जाके पता करेंगे कि वैक्सीनेशन सेंटर बंद हुआ या नहीं हुआ। वैसे 10 मिनट है बट वील चेक आउट एंड नंबर वंबर आईना नंबर ले लेते हैं। And then we'll just see. I hope लग जाए बस, क्योंकि मेरे को बहुत शौक हो रहा है वैक्सीन लगवाने का। आई एम रियली गेटिंग इनटू इट नाउ। ओके गाइस सो लेट्स गो फटाफट एंड फटाफट फटाफट लगवा के आते हैं वैक्सीन। शोन आई होप प्रे फॉर मी। मम्मी के लिए मैं भी लगवा लूँ क्योंकि मम्मी की डोज रह चुकी है, सो इसलिए मम्मी के दर्द हो रहा था ना बेसिकली, तो इसलिए मम्मी रहने दो फिर मनु करेगी आज घर का सारा काम। सो गाइस वी गेट रजिस्टर्ड और अभी हम तीनों लोग आएंगे वैक्सीन। आई एम सो एक्साइटेड, मेरे को वैक्सीनेशन लगाने का शौक क्यों है, काम डाउन मैन डर नहीं लगा, कोई चक्कर वैक्सीन रह गया तो खा जाएगा मैं कोई। थैंक यू ब्रो। सो गाइज फाइनली वैक्सीनेशन इज डन, बर्रा डन डन, मेरी भी लगवा दी ने, अब देखते हैं पानी कौन देगा। मैं दूंगी, मेरे को नहीं होगा कुछ। आई एम ब्रेव, मैं ब्रेव हूँ बहुत ज्यादा, मैं हर मुसीबत से लड़ती हूँ। देख लेना, चलो लगी चल ठीक है। मम्मी तो ऐसी आई थी, मम्मी कह रही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मम्मी की डोज रहेगी, मम्मी डरती है कि नहीं मुझे नहीं करना, फिर काम कौन करेगा घर का। हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सैटरडे संडे घर हैं हम तो लगवा लो। नहीं कोई बात नहीं, हर बार ऐसे होता है। इस बार हम पापा और मैंने प्लान किया कि नहीं हम मम्मी की भी लगवा देंगे, मम्मी की भी लगवा दी हमने। सो अभी हम चलते हैं फटफट। ये देखो गाइस क्या, मुझे भी कुत्ता चाहिए पर इतना बड़ा नहीं कितना, ये देखो गाइस कितना बड़ा कुत्ता, यहाँ पे हम वैक्सीन लगवाने आए इंट्रोगा सेंटर आसपास कहीं। और ये कितना बड़ा बड़ा क्या है यहाँ पे, ऐसा पार्क है कोई क्या है, पता नहीं इसके अंदर कुछ होगा। अभी हम अपने फोटो खींचने के लिए रुके हैं सब नेल के लिए, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं पापा गाड़ी में ही, पापा कह रहे तुम निकलो मैं नहीं आ रहा। नहीं वो तो गोरी गोरा है वहाँ पे, कोई बात नहीं हम फोटो फिर भी खींच। पीछे ऐसा लग रहा है ये डॉग्स का पार्क है और हम यहाँ क्या मुंह उठा के कर रहे हैं अपना डॉग का पार्क में आते घूम रहे हैं। मेरे को कुत्ता चाहिए और पीछे से ऐसा लगे पता नहीं हम कितने उसमें आगे कहीं पे, पता नहीं ना। मम्मी एंड डॉक्टर टाइम दादी ने मेरे वैक्सीन
और एक रिक्शा है, देखते हैं आज हाथ तो करवा दिया, पैर का भी करवाए कुछ ना कुछ, अब देखते हैं गगन कुछ ये गगन चला रही गाड़ी रखना उसको उसके गगन के बता रहे हैं डैडी ये ब्रेक तो ये रहा ये गगन गगन चला रही है गाड़ी गगन के डैडी बता रहे हैं ये ब्रेक पे ये ब्रेक पर गगन कैसा लग रहा है खाली एकदम हां नर्वस हूं मैं थोड़ी नर्वस चला यानी नर्वस डाल ली होगी पार्किंग से लोड नहीं है गियर फर्स्ट गाड़ी और डैडी इकट्ठे बैठे हैं दोनों देखते हैं और इसे पे रखना वो छोड़ ब्रेक क्या होएगा ब्रेक छोटा हुआ ही है गगन गाड़ी भी खड़ी है आगे अब खा लेना गगन चला रही है गाड़ी मैं सवार है आज पहली बार मेरी बेटी गाड़ी चला रही है मैं बैठी हूं पीछे पापा इधर अच्छा लग रहा है बहुत जब गगन पूरी सीख जाएगी मैं और गगन दोनों शॉपिंग करने जाया करेंगे उधर कहां है ना गगन रोड की तरफ कैसा लग रहा है स्लो की चल रही गाड़ी ब्रेक तुम्हारी तो ब्रेक छोड़ना रेस दे दो थोड़ी सी ना ना रेस नहीं देनी फिर तो ये इधर इधर रख इधर गड्डियां के पीछे से और कर लेता आई एम नर्वस ब्रो ब्रेक पे रखी रेस पे ना रखी बिल्कुल मुझे थोड़ी रेस तुम कहीं कहा जाओगे रेस तो गगन कैसा लग रहा है इधर रख थोड़ी अब तेरे को मैं सो गाइस एंड मैंने बहुत नर्वस थी मैम पर पापा जी ने मेरी पहली बार चलाई था और उन्होंने मुझे समझाया कैसे कैसे क्या करना थोड़े फंक्शन पापा मेरे को वैसे बताते रहते हैं जब मैं गाड़ी में बैठती थी तो ऐसे नहीं ऐसे चला ऐसे नहीं ऐसे कर तो ऐसे चलती है तो फिर वो थोड़ा नॉलेजेबल हो जाता है मेरे लिए एंड अभी अगर हम घर पहुँचेंगे जब तो मैं अगर चलाई मैंने तो पक्का आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए फटाफट एंड बिल्कुल पीस आउट सो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं लिटिल शॉपिंग करने के बैग से ले मम्मी बैग ये लेते हैं ना जब लाए तब क्यों पैसे खर्चने जब गाड़ी में बोझ रखा ही है आई थिंक पापा का मूड एज सैड है पापा थके हुए हैं मतलब आस्किंग मी फर्स्ट डैडी पापा जी आपका मूड ऑफ है मूड ऑफ नहीं है पर वो वैक्सीन लगी ना दर्द हो रहा है दर्द हो रहा मेरे तो नहीं हो रहा मेरे भी नहीं हो रहा पापा आज बहुत काम करके आए हैं काम हुआ पापा का सो दैट्स वाई थोड़ा पापा जी को ज्यादा और पापा थके हुए भी काफी सो इसलिए पापा थोड़े हंसमुख से नहीं लग रहे होंगे आज आपको पर टायर्ड है इसलिए टायर्ड है पापा जी आज बहुत ज्यादा कोई बात नहीं चलो फटाफट चलते नहीं तो ये भी बंद हो जाएगा ये मैंने हाथ में क्यों पकड़ा लेट्स गो मम्मी मैं करूंगी आपकी हेल्प डोंट वरी जैसे हमारे घर में तो क्या होता है मेरे साथ सामान ले लेते हैं मैं वो खर्चा नहीं चाहता फिर पापा को अगर पापा के इधर में आ गया तो गए सारे के सारे नहीं आया मम्मी पापा से पहले बोलते फेंक दे से पहले पापा देखते हैं तो इसलिए पापा से थोड़ा दूर रखे सामानों को रखते हैं ताकि अगर खराब हुए तो खुला हो गए पहले और अभी मैं मम्मी को जिद कर रही हूँ मुझे शूज ही चाहिए मम्मी कह रही खाएगी नहीं तो थप्पड़ खाएगी नहीं अभी इसलिए मम्मी मेरे बना कर दिया कोई बात नहीं खाऊंगी मैं कब पापा वही है जहाँ कड़े और हम शॉपिंग करके वापस पापा के पास जा रहे हो बोले चॉकलेट अब मेरा दांत ऑलरेडी खराब है मम्मी मेरा दांत कहाँ खराब करते हैं फिर मम्मी मम्मी को ब्लेम करो जो ताने मारते हैं फिर पूरा दिन आज हमने ना हर्ब्स की लाइनें लगा दी ये 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 और ये भाई भाई क्या है मम्मी ने पापा के मूड का फायदा उठाया ये रही जो पापा का मूड दबा रहे नीचे तेज हो रहे हो इस मेरे को समझ नहीं आता ये फंडा कि जो जैसे वो होता है मसाले होते हैं वो होता है ना कि वेज है नॉन वेज कैसे होता है उनमें कौन सा कुछ काट के गिरते हैं पर ऐसा होता है ना कि वेज और कोई कोई जैसे ना कोई डाल देना उसमें वेज में नॉन वेज मतलब कि चिकन मसाला होगा जैसे तो बोलते कि ये चिकन है नॉन वेज है ऐसा थोड़ी होता है यार मसाले में कौन सा कुछ काट के गिरता है मैंने अपना जो दिमाग मेरे पे है नहीं वो बहुत ज्यादा खर्च के ये क्वेश्चन दिमाग से लाया है सो अप्रिशिएट करो मेरी इस दिमाग की खर्चीली मेहनत को व्हाटएवर सो अभी हम कराएंगे बिलिंग मम्मी ने आज पहली बार बोल दिया कि बस करो अभी चलते हैं बिलिंग की तरफ और कल मम्मी दोबारा शॉपिंग करने जाएगी मम्मी जब ना जब पापा जी को कोई चीज ना नहीं मतलब ऐसे पसंद ना आए कुछ ना आए और हम कोई चीज छेड़े ना तो बोलते ये क्या है पापा का तो कुछ नहीं आया आगे चलो पापा का बार वैसे बोलता है ये हो चुकी है हमारी शॉपिंग डन मम्मी और कल भी करेगी और 50 पाउंड आज लगाएंगे 50 पाउंड कल 100 पाउंड मतलब एक 10,000 इंडिया के हाँ एक हफ्ते के वो भी बस बीच में दो लगे बीच में वो लगते हैं वो अलग उनका कोई हिस्सा लगवा गई मैं अच्छी चीज खा रही हूँ हाँ सो गाइस अब चलते हैं हम घर और मनोहर से मिलेंगे आपको घर देखने के लिए घर में देखने के लिए सो लेट्स गो होम नाउ और मिलते हैं आपको घर चलते
सो गाइस हम खड़े काफी देर से इस ट्रैफिक में, इतना लंबा ट्रैफिक है भैया, क्या ही ये तो इंडिया को दिल्ली को फेल कर गया। मतलब आज वीकेंड है ना, तो सब मोस्टली रेस्टोरेंट्स और होटल रेस्टोरेंट्स में आया है, दैट्स व्हाई वीकेंड्स में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, स्पेशली शाम को क्योंकि सब अपने जॉब से फ्री फ्रा हो आगे, क्योंकि साउथ हॉल है ना, साउथ हॉल में रेस्टोरेंट बहुत मशहूर है, इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह है, सारे बाहर से आते हैं यहाँ पे। तो गाइस देखो कितने लोग वेटिंग में खड़े, क्यू अप हैं ये सारे अंदर जाने के लिए भाई साहब। 3 दिन ही होते हैं और हम जाएंगे मैक्सी में, वीकेंड्स में होते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, दैट्स इट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ जी, सो ये रही हमारी मील, हमारा स्टफ एंड अब हम घर जा रहे हैं, कितनी भीड़ हो रही होगी। अभी पहुंच जाते हैं हम, अभी जा रहे हैं हम घर, हमने मैकग्रिलियर में फ्राइज खा ली थी, गर्म गर्म है, अच्छा लग रहा है, ठंड हो जाएगा ना, सोप बेच हो जाते हैं, खाने का मन नहीं करता। जब घर जाएंगे मन और चंद्र भी ने बचा दिए हैं क्योंकि वो खाते नहीं, अगर ठंडे ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, गिर गिरे से लग जाते हैं ना फिर। सो हाँ जी, और चलते हैं घर, फिर मिलते हैं आपको, मन और चंद्र आप बहुत टाइम हो गया, आप मेरे को ही देख लोगे, सो उनसे भी मिलवाते हैं। सो गाइस अभी आ चुके हैं हम घर और ये एकदम से बैठ चुके हैं मैकडी खाने दोनों के दोनों, और अभी हम मम्मी और खाना बना रहे हैं अपने लिए क्योंकि वो मैकडी का बाहर का नहीं खा रहे, हम बर्गर एंड ऑल स्टफ खा रहे हैं। एंड हाँ जी, और थोड़ा वैक्सीन में इतना पता नहीं चल रहा है पर थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है मेरे को, मम्मी को थोड़ा बहुत हो रहा, पापा को थोड़ा बहुत है, सो अभी देखते हैं थोड़ी देर कल तक बुखार होगा या नहीं। सो हाँ जी, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइज आज के ब्लॉग के लिए इतना ही था, और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, एंड हाँ जी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको वैक्सीनेशन लगानी है, लगवाई नहीं है अभी तक, तो प्लीज गो वैक्सीनेट हो जाओ, क्योंकि जब कुछ खुदा ना खास्ता कभी इन फ्यूचर किस चीज से गुजर जाओ तो सब ठीक हो। मैं घर से आते हुए मैंने गाड़ी नहीं चलाई क्योंकि बहुत लेट हो गया था, मेरे को मेरे पापा को खुद मना करा, पापा जी नहीं मुझे नहीं चलानी, मैंने कहा पापा जी किसी दिन और पर अभी मन नहीं है, तो मैंने इसलिए पापा को खुद ही मना कर दिया था, पापा कहते चला ले, मैंने कहा नहीं अब कभी किसी दिन और अभी मन नहीं है बिल्कुल भी, काफी लेट हो गई थी, 9 बजे हम घर आए, उसके बाद भूख भी काफी लग रही थी इसलिए मेरा मन नहीं हुआ चलाने का गाड़ी। एंड हाँ जी, और आज के ब्लॉग के लिए इतना ही था गाइज, अगर आपको अच्छा लगा होगा सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज, और यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। होप यू गाइज एंजॉय दिस व्लॉग, सी यू गाइज लेटर, बाय बाय, टेक केयर।